छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर कहा, उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। दंतेवाड़ा चुनाव और महत्वपूर्ण उपचुनाव है और आज हम लोग निकलेंगे। आज रात में जगदलपुर के, कल दंतेवाड़ा जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे संगठन मंत्री सौदान सिंह जी और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम रहेगी। निश्चित रूप से उत्साह का वातावरण इसलिए है कि उस पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में कठिन परिस्थितियों में जीत हासिल की थी और अकेले बस्तर की एकमात्र सीट पे विजय हासिल किया था, जब छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15 सीट जीते थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की गिरफ्तारी का कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही सीएम बघेल का पुतला दहन करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, जिससे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हो गई। आज हम लोग जिस तरीके से माननीय अमित जोगी जी को बिलासपुर मारवाही सदन से गिरफ्तार कर लिया गया है, अब पूरा आभास होने लगा है कि आज यहाँ पे कानून का राज नहीं, अब भूपेश का राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, जिसकी हम लोग विरोध करते हैं। आप ही सोचिए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी जी का, अगर पूर्व विधायक का ये हाल होता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। मुझे तो लगता है जो 302 की धारा, 302 के तहत अपराध नहीं किएगा उसको भी 302 की सजा ही लोग दे देंगे। इस तरीके से जंगल राज भूपेश का यहाँ पे चल रहा है, हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। विरोध के श्रेणी में आज हम लोगों ने यहाँ पे भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम न्याय के मंदिर में गए हैं, न्याय के मंदिर में हमें न्याय मिलकर रहेगा। इंदौर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं सत्ता के नशे में चूर कुछ नेता खजराना गणेश मंदिर में प्रशासन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सीधे मंदिर में प्रवेश कर केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान सैकड़ों भक्त परेशान होते नजर आए। मध्य प्रदेश में आए दिन स्कूली भवन में हादसे की खबरें आ रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला सिवनी जिले का है, जहां सरकारी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिरने से छात्र से लेकर प्राचार्य सभी सहमे हुए हैं। चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग जनता कर रही है, लेकिन सांसद रोडबल नागर का कहना है अभी जिला बनाना संभव नहीं है। इस बयान के बाद सांसद का विरोध होने लगा। एनएसयूआई ने सांसद का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। इसके साथ ही सांसद रोडबल नागर से माफी मांगने को कहा। चाचौड़ा को जिला बनाने को लेकर रोडमल नागर सांसद राजगढ़ ने टिप्पणी की थी कि चाचौड़ा को जिला बनाना संभव नहीं है। इसको लेकर एनएसयूआई ने पूर्व में सद्बुद्धि यज्ञ किया था, लेकिन उनके अंदर सद्बुद्धि अभी तक नहीं आई है। वो चाचौड़ा को जिला बनाने का विरोध कर रहे हैं। वे चाचौड़ा की जनता से आकर माफी मांगे, नहीं तो चाचौड़ा की जनता निरंतर ऐसे ही आंदोलन करती रहेगी। आज एनएसयूआई ने उनकी अर्थी यात्रा निकालकर आज उनका पुतला दहन चौराहे पे किया है।
अगली बार अगर वो चाचोड़ा क्षेत्र में आएंगे तो एनएसयूआई उनको जूते की माला पहनाकर उनका स्वागत करेगी। एक तरफ जहां हम साइंस और तरक्की की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ मामले ऐसे सामने आते हैं जो हमें 21वीं सदी में सीधे 19वीं सदी में ढकेल देता है। दरअसल जबलपुर में छुआछूत के चलते एक परिवार को चाय की दुकान पर चाय नहीं दी जाती है और ना ही उस परिवार को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता। बीजेपी सरकार के समय बीजेपी पर व्यापम सहित अन्य आरोप लगाने वाले विसिल ब्लोअर आनंद राय का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धार के आबकारी अधिकारी संजीव दुबे से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में आबकारी अधिकारी विधायक हीरालाल अलावा पर रुपया मांगने की बात कह रहे हैं। आप ही सुनिए क्या कुछ है ऑडियो में। इसके साथ ही आपको बताते हैं डीएनएन इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अरे ये क्या हीरा अलावा ने कोई गाड़ी वाली पकड़ ली? सर आपकी तवेरा है, दरअसल 15-20 पेटी लोड हुई एक तवेरा है। हाँ, उसको उसने पकड़ा है। किसकी है ये? वो ठेकेदार की है, वो डबल करना है, उसमें संभव नहीं है। रहता एक्चुअली क्या है, 15 लाख रुपए राजवर्धन लेता है। हाँ, 20 लाख रुपए वो लेता है, क्या नाम है उसका, उमंग लेता है। हाँ, ये 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा हूँ, आप किसी कीमत पे संभव नहीं है, चाहे जो करना है कर ले, ठेकेदार मर जाएगा। आप देखो यार सुनो, आप पहली बार में प्रधानमंत्री बना, लेकिन ये मनावर ये देखिए ठेकेदार से उमंग क्यों पैसा ले रहा है या वो क्यों ले रहा है राजवर्धन? यार मैं तो पूरे जिले के विधायकों की स्थिति बता रहा हूँ आपको। अच्छा, नहीं नहीं तो जब जब ये 20 लाख और 2 लाख से दूसरे ठेकेदार देते होंगे ना? यार मेरी हर आदमी अपने क्षेत्र के लोगों से पैसे लेता है। आज कोई विधायक 10 लाख लेता है, कोई विधायक 15 लाख लेता है, कोई विधायक 8 लाख लेता है। हाँ तो 10 लाख नहीं दे पाएगा वो, ये लोग किसी कीमत में नहीं दे पाएगा, मर जाएगा। आप समझिए बात, इतनी कमाई अगर होती तो अडानी अंबानी के दारू बेचते, समझ रहे हैं? संभव नहीं है, उनको जो करना है कर ले। दरअसल फोन था आपका। अरे ये क्या हीरा, जिला रायसेन के बारना डैम के गेट 3 साल बाद खोले गए। गेट से अब तक 10,000 क्यूसेक पानी निकाला गया। पानी छोड़ने की वजह से बारना नदी के पुल पर पानी भर आया, जिसके चलते आवागमन बंद कर दिया गया। लेकिन मौके पर प्रशासन के पहुंचने के पहले ही कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आए। इतने भर गए ना उसमें 56 वीडियो। पानी जो इनफ्लो हो रहा है वो लगभग 55,000 क्यूसेक हो रहा है और 48,934 रिलीज कर रहे हैं। 8ों गेट खुले हुए हैं, 4 गेट 2.5 मीटर खुले हैं, 2 गेट 2 मीटर खुले हैं और 2 गेट 1.5 मीटर खुले हैं। ये अभी जो ऊपर से जो पानी आ रहा है उसके अनुपात में पानी कम निकल रहा है? हाँ, वो धीरे धीरे मेंटेन करेगा। यदि वहाँ से कम होना चालू होगा तो ये पानी बढ़ता चला जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो वाला। सुकमा में 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बता दें इनमें से 4 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। सभी नक्सलियों ने डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसमें से 2 नक्सली जिले में गठित कई नक्सल घटनाओं में शामिल थे। जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार जो नक्सल उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें जिला बल, सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ सब मिलकर के लगातार एंटी नक्सल ऑप्स कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप क्षेत्र में नक्सलियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वो लगातार हमारे पास आत्मसमर्पण के लिए संपर्क कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे पास 8 पूर्व नक्सली आए हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव थे और हमारे समक्ष समर्पण करके मुख्य धारा पे जुड़ना चाहते हैं। भिंड में एक बार फिर गाय हादसे का सबब बनी। हाईवे पर बैठी गायों को बचाने के फेर में एक अनियंत्रित दूध का टैंकर दिल्ली जा रही बस से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
बॉडी भी आने।